नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है या फिर सवाल है मन में तो लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए बेहद खास वीडियो है। जानते हैं कैंसर काउजेस के बारे में, यानी कि कैंसर दुनिया में मौतों की सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी बड़ी वजह है, ये जान लीजिए, हार्ट अटैक पहला है। इसके बाद जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है किसी बीमारी से, तो वो है कैंसर। इससे बचने के लिए आपको जीवन शैली से जुड़ी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज हम सभी इस एपिसोड में जानेंगे। ये सभी के लिए इक्वली बहुत फायदेमंद एपिसोड है, इसलिए आप अपने यार दोस्त फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी बेनिफिट होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारी जीवन शैली स्वस्थ जीवन जीने का आधार है। खराब लाइफ स्टाइल कैंसर जैसी कई जानलेवा बीमारियों का नेतृत्व करती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कैंसर हृदय रोग के बाद दुनिया में मौतों का दूसरा प्रमुख कारण है। ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए उपाय करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपके अंदर अच्छी आदतों का विकसित होना आवश्यक है, जिससे कि कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से खुद को आप बचा सकें। इसीलिए आज की ये वीडियो आपके लिए खास है। सबसे पहले तो जो वजह है वो है तंबाकू। जी हाँ, अमेरिकी कैंसर सोसाइटी के अनुसार धूम्रपान करने वाले धूम्रपान न करने वालों की तुलना 10 साल कम जीते हैं। यदि आपकी आदत है तो इस लत को कम करना शुरू कर दीजिए। 40 वर्ष की आयु से पहले अगर आप धूम्रपान करने की लत छोड़ देते हैं तो आपके धूम्रपान की वजह से या फिर बीमारी की वजह से मरने का खतरा 90% तक कम हो जाता है। तो आप अगर 25 से और 40 के बीच के हैं तो आपके लिए बेस्ट समय है कि अब आप इसे ना कह दें, छोड़ दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा ओवरवेट, जी हाँ, अक्सर वजन का बढ़ना हृदय रोग और डायबिटीज के जोखिम को दर्शाता है। जी हाँ, जबकि इसमें कैंसर भी शामिल होता है। कई अध्ययनों में ये बात सामने आ चुकी है कि कैंसर के कारणों में धूम्रपान के बाद अधिक वजन या मोटापा सबसे प्रमुख जोखिम कारकों में से एक है। इसीलिए अपने वजन को हमेशा कंट्रोल रखें। आपको चाहे मेहनत करनी पड़े, 10 मिनट हर रोज एक्सरसाइज करना पड़े, खाने पीने पर कंट्रोल करना पड़े, करें, अन्यथा आपकी जिंदगी आगे चल करके बेहद मुश्किल होती जाएगी। आपके परिवार के लोग भी परेशान होंगे, आपसे जुड़े लोग भी परेशान होंगे, आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान होते चले जाएंगे। इसके अलावा शराब पीना, जी हाँ, शराब का एक छोटा सा पैग निश्चित रूप से आपके हृदय के लिए अच्छा हो सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप ठंडे प्रदेश में रहते हैं और थोड़ी सी चाय यानी कि दारू न लेकर के दवा की तरह लेते हैं तो आपके लिए वो बहुत फायदेमंद है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि नियमित रूप से शराब पीते हैं तो महिलाओं में 6% और पुरुषों में 4.5% से अधिक ज़्यादा खतरा रहता है कैंसर होने का। किसी भी तरह के मादक पेय का मॉडरेट अमाउंट में सेवन करने से आपके स्तन और अन्य कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए ध्यान रखें कि अगर अल्कोहलिक आप न हों तो ही बेहतर है। आपके लिए कोई नशा ना करें तो बेहतर है, और अगर करते हैं तो 40 से पहले की उम्र में अलविदा कह दें उसको। और छोड़ने के लिए क्या उपाय हैं वो इस चैनल पर हमने आपके लिए बताया हुआ है, जरूर देखें, उससे आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा एक्सरसाइज की कमी, जी हाँ, जैसा कि शारीरिक निष्क्रियता से वजन बढ़ सकता है, यह आप सभी जानते हैं। यह एक कैंसर जोखिम कारक भी है जो आपके कोलन, स्तन और एंड्रोमेट्रियल कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की सलाह है कि वयस्कों को प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता या 75 मिनट की तेज गतिविधि में शामिल होना चाहिए। यानी कि शारीरिक एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर आप एक्टिव नहीं हैं, आपकी इंद्रियां कमजोर होती जाएंगी, आपका शरीर का अंग कमजोर होता जाएगा और उस पर नाना प्रकार की बीमारियों का प्रहार होता जाएगा समय के साथ। इसलिए आप एक्टिव रहें, कार्य करते रहें, काम चोर न बने कभी भी। इसके अलावा रेडॉन एक्सपोजर, जी हाँ, रेडॉन एक गंधहीन रेडियोधर्मी गैस है जो प्राकृतिक रूप से हवा, मिट्टी और पानी में पाई जाती है। इस बात के बहुत से प्रमाण हैं कि रेडॉन एक्सपोजर फेफड़ों के कैंसर का एक प्रमुख कारण है। यह आमतौर पर घरों में पाई जाती है। ग्रेनाइट काउंटर टॉप्स सहित कुछ निर्माण सामग्री रेडॉन का उत्सर्जन
तेजी से करते हैं, जिसकी वजह से आपके फेफड़े के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सेकेंड हैंड स्मोक, जी हाँ, सिगरेट में कार्सिनोजेनिक रसायन होते हैं। जब आप एक धूम्रपान नहीं कर रहे हैं तब भी आपके कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। जब बात सेकेंड हैंड स्मोकिंग की आती है तो यह आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग वह स्थिति है जब कोई दूसरा व्यक्ति स्मोक कर रहा होता है और उसके धुएं से आप प्रभावित हो रहे होते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट पीना ही नुकसानदायक नहीं है कि जो सिगरेट पी रहा है उसको नुकसान होगा। अगर आप वहाँ पर बैठते हैं और उसका धुआँ भी आपके अंदर जाता है तो भी आपको बराबर खतरा रहता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट, जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि किसी भी प्रकार के मीट और सॉसेज को कार्सिनोजेंस माना जाता है, और क्योंकि इनमें नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स नामक यौगिक होते हैं, इसीलिए मुद्दा यह है कि जब आप इन पदार्थों को गर्म करते हैं तो वे नाइट्रोसेमाइन बना सकते हैं जो कार्सिनोजेनिक है। जी हाँ, शोधकर्ता ये बताते हैं कि इसी वजह से यह कोलोरेक्टल और अन्य प्रकार के कैंसर का खतरा पैदा कर सकता है आपकी बॉडी में। इसके अलावा ट्रांसफैट, जी हाँ, शोधकर्ता बताते हैं कि मानव निर्मित वसा जिसे ट्रांसफैट या आंशिक रूप से हाइड्रोजेनिक तेल कहा जाता है, जिन पर कई देशों में प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन फिर भी खाद्य पदार्थों के तौर पर मिलते हैं, यह प्रोस्टेट, स्तन और पेट के कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि उनके रक्त में ट्रांसफैट के उच्चतम स्तर वाली महिलाओं में स्तन कैंसर होने का जोखिम बढ़ा देता है। इसके अलावा हॉट ड्रिंक्स, जी हाँ, अध्ययनकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि 149 डिग्री या उससे अधिक पर पेय पदार्थों का सेवन करने से ग्रास नली के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, यानी कि जो आप खाना खाते हैं तो जिस नली से खाना आपके पेट में जाता है उसके कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। यह कैंसर का एक बहुत घातक रूप है। शोधकर्ताओं का मानना है कि उच्च तापमान उत्तक को नुकसान पहुंचा सकता है। कभी भी चाय या कोई पेय पदार्थ ठंडा करके थोड़ा पीना चाहिए। बिल्कुल गर्म खाते हैं या पीते हैं तो आप समझिए खतरे में हैं कैंसर के। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड, जी हाँ, हालांकि फर्मेंटेड फूड या किण्वित खाद्य पदार्थ से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है जो नाक के पीछे गले के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करता है। हालांकि आचार और अन्य किण्वित खाद्य पदार्थ ठीक हो सकते हैं जब तक आप इसका ओवरडोज नहीं लेते हैं, यानी कि अचार वगैरह या मसालेदार चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे तब तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, तब फायदेमंद है। लेकिन अगर आप ओवरडोज लेते हैं यानी कि टेस्ट के चक्कर में ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो ये आपको कैंसर दे करके जाएगा। इसके अलावा डायबिटीज़ भी कैंसर की एक वजह बन सकती है। लगभग 20 मिलियन लोगों के वैश्विक विश्लेषण ने हाल ही में डायबिटीज़, टाइप 1 और टाइप 2 और कैंसर के जोखिम के बीच एक लिंक की पुष्टि की है, यानी कि दोनों के बीच एक कनेक्शन पता चला है। महिला डायबिटीज रोगियों में पुरुषों की तुलना में अधिक जोखिम पाया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि हाई ब्लड शुगर डीएनए म्यूटेशन को ट्रिगर कर सकता है जो कि कैंसर का खतरा बढ़ा देता है, इसीलिए महिलाओं में कैंसर का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है अगर उनको शुगर है तो। ध्यान रखना चाहिए, शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, अन्यथा मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। तो ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए, जो कि कैंसर से अगर आपको बचना है तो इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में। ये वीडियो कैसी लगी आप सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल से जुड़ जाएं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, साथ ही साथ लाइक करें वीडियो अगर पसंद आया तो, और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट करें आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल है तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।